सो लेट्स मूव ऑन टू अवर प्रॉब्लम नंबर थ्री. प्रॉब्लम नंबर थ्री क्या बोलते हैं, देखो, अ फादर सेड टू हिज सन दैट आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. ठीक है, इफ द फादर्स एज इज 38 इयर्स नाउ द सन्स एज 5 इयर्स बैक वॉज. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको समझने में थोड़ा देर लगता है. तो देखो कि कैसे, अ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट. यानी कि अगर एक सन है और एक अगर फादर है, तो सन की अगर करंट एज, अगर प्रेजेंट एज अगर सन की एक्स है, तो सन की जब एज जीरो थी तब फादर की एज देखो कितनी है, एक्स. ये बोला गया, देखो आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट, यानी अगर सन प्रेजेंट में अगर एक्स ईयर का है तो फादर की एज भी एक्स ईयर थी. कब? जब सन जस्ट बॉर्न हुआ था, राइट. तो सन की जब सन जस्ट बॉर्न हुआ था तो उसकी एज जीरो थी नेचुरली, राइट, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. ऐसे बोला, इफ द फादर्स एज इज 38 इयर्स नाउ, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज कितनी बोली है, 38 इयर्स, राइट. तो सन की एज पूछी गई है 5 इयर्स बैक. ठीक है, तो देखो कि ये ट्रिक क्या है इसमें, या ट्रिकी क्यों है ये समझ दो कि देखो कि सन की आज एज है एक्स ईयर्स. तो ये जो एक्स ईयर की जो वैल्यू है, तो अगर क्लोजली या अच्छे से देखते हो तो देखो कि फादर की जो 38 माइनस एक्स अगर करोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी आप हमें, राइट. क्योंकि फादर की कोई ना कोई एक डेफिनेट एज होगी एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ, तो वो एज को आज की एज से अगर माइनस करोगे तो सन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी, राइट. तो इसका मतलब कि 38 माइनस एक्स और एक्स, ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट. तो इक्वेशन बनेगा 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट. ये इक्वेशन बनेगा. तो इसको अगर सॉल्व करता हूं मैं, तो 38 इज इक्वल टू माइनस एक्स यहां चले जाएगा तो 2x बन जाएगा, और नाउ x वुड बिकम 38 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 19 इयर्स, राइट. 19 इयर्स, इसका मतलब सन की आज एज कितनी है, 19 इयर्स. बट पूछा क्या गया, उसकी एज 5 इयर्स बैक, तो 19 माइनस 5 करना पड़ेगा इज इक्वल टू 14 इयर्स. ये मेरा आंसर आ जाएगा, सन्स एज 5 इयर्स बैक वुड बी 14 इयर्स, राइट. नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, ये क्या है, देखो ये अगेन एक ट्रिकी प्रॉब्लम है. तो ये प्रॉब्लम देखो कैसे करना है. फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन रोनिन. देखो कि सबसे पहले तो इसमें क्या ट्विस्ट है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में, वहां 2 type के सेंटेंसेस यूज किया जाएगा. कि एक सेंटेंस आएगा फादर इज एज्ड 3 times हिज सन रोनिन, ठीक है, या फिर आएगा फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन रोनित. तो देखो मोर देन, इसको मीनिंग है, इसका कुछ मीनिंग है. तो मान के चलो कि अगर मैंने रोनित और यहां अगर फादर को कंसीडर किया मैंने, और अगर रोनित की एज मैंने अगर एक्स कंसीडर की, तो फादर की एज कितनी है, 3 times मोर देन हिज सन रोनित. तो फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज होगी 3 times प्लस एक्स, ठीक है, 3 times मोर देन हिज सन्स एज रोनित. तो इसका मतलब कि रोनित की जो एज है उसके 3 times और है, एडिशन करना है. तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, तो फादर की एज बन जाएगी 4x, ठीक है. तो यहां ध्यान देना है, या फिर अगर दूसरा सेंटेंस होगा कि फादर इज एज 3 times हिज सन रोनित, तो ये जो एज रहती फादर की वो सिर्फ 3x लिखे रहते, बट बिकॉज यहाँ मोर देन है तो यहाँ 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, ठीक है. तो ये है प्रेजेंट एज. अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला, आफ्टर 8 इयर्स. अब देखो हमेशा ध्यान रखो कि एक तो आफ्टर 8 इयर्स आएगा या हेंस 8 इयर्स आएगा, ये दोनों का मीनिंग सेम होगा. आफ्टर या हेंस मीन्स वन एंड द सेम थिंग, या फिर बिफोर आ सकता है. तो बिफोर 8 इयर्स, तो देखो कि आफ्टर, बिफोर या हेंस,
जितने भी ईयर्स है, तो अभी देखो कि आफ्टर 8 ईयर्स, तो आफ्टर 8 ईयर्स फादर की एज कितनी होगी आफ्टर 8 ईयर्स? 4x प्लस 8, राइट? आफ्टर 8 ईयर्स सबकी एज जो है वो 8 साल से बढ़ जाएगी, राइट? सेम रोनित की एज कितनी होगी? एक्स है अगर प्रेजेंट तो x प्लस 8, राइट? तो देखो कि आफ्टर 8 ईयर्स क्या बोल रहा है, ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। तो इसका मतलब जो एज है 4x प्लस 8, आफ्टर 8 ईयर्स वाली जो एज है 4x प्लस 8, ये कितनी बनेगी? 2.5 टाइम्स, मीन्स 2.5 टाइम्स, राइट? 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। अब देखो कि रोनित की भी एज कौन सी लोगे? आफ्टर 8 ईयर्स वाली, तो रोनित की एज है x प्लस 8, राइट? अब देखो 2.5 को मैं रीराइट कर सकता हूँ कैसे, 25 डिवाइडेड बाय 10, राइट? नाउ दिस इज 5 एंड 5 2s, राइट? तो इसको ही मैं रीराइट करके 5/2 लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 8, और इसको 4x प्लस 8, राइट? तो ये देखो कि 2 अगर यहां आता है तो वो क्या बनेगा, 8x प्लस 16, राइट, इज इक्वल टू 5x प्लस 5 8 40, राइट? नाउ सी 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, एंड 40 माइनस 16, 40 माइनस 16, सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, सो दैट बिकम्स 24, राइट? सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3, दैट इज 8, राइट? अब देखो कि क्या पूछा गया, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, यानी x प्लस 8, ठीक है? अब देखो कि x क्या होगी, x थी रोनित की प्रेजेंट एज, इसका मतलब x की वैल्यू जो है 8 यहां मिल गई, तो रोनित की प्रेजेंट एज है 8 ईयर्स, और x प्लस 8 अगर निकालोगे तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 ईयर्स हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, इसका मतलब कि 16 प्लस 8 करना पड़ेगा मुझे, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित्स एज। और देखो कि अगर x की वैल्यू अगर 8 है तो इसका मतलब कि 4x की वैल्यू कितनी होगी, 8 4s are 32, राइट? नाउ 32 प्लस 8 इज 40, तो आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स फादर्स एज वुड बिकम 40, एंड आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स फादर की एज कितनी होगी, 48, राइट? क्योंकि 8 ऐड हो जाएंगे, तो देखो कि फादर की एज जो है, फादर की एज जो है वो है 48 आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, एंड सन की एज कितनी है, 24, ठीक है? अब देखो कि जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि आप हाउ मेनी टाइम्स, ये जब भी वर्ड आता है हाउ मेनी टाइम्स, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो, ये सबसे पहले ध्यान रखो, हाउ मेनी टाइम्स मींस यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो। ही वुड बी, यानी कौन, फादर वुड बी ऑफ रोनित एज, इसका मतलब कि फादर की एज है 48 डिवाइडेड बाय 24, सो इट मींस दैट 40 डिवाइड बाय 24 इज 2, इट मींस दैट फादर इज 2 टाइम्स दैट ऑफ रोनित्स एज, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स, तो होप कि समझ गया होगा आपको। तो फिफ्थ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी।